डिब्रूगढ़ जेल में आज मैंने भाई अमृतपाल सिंह, जो वारसे पंजाब के प्रमुख हैं, उनके साथ बातचीत की और बातचीत के बाद ये बात मुकम्मल तौर पर साबित हुई कि असम गवर्नमेंट ने जेल प्रशासन को हुक्म दिया है कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप असम ने एक लेटर जारी करके कहा है कि जेल के सभी इनमेट्स को जो टेलीफोन की सहूलत दी गई है वो बंद कर दी जाए ता जो फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो सके। ये बात समझ से बाहर है कि फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन के लिए जेल के इनमेट को जो टेलीफोन की सहूलत दी गई है उसे बंद करने से कैसे फेयर एंड फ्री इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगी। ये बात मुकम्मल तौर पर है जो कि एक बनाई गई बात है, जो कि एक सहूलत दी गई थी जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नज़रबंद हैं उनको, जिनमें भाई अमृतपाल सिंह और उनके साथ 9 और सिख बंदी हैं, तो उनको जो सहूलत अपने परिवार के मेंबरों और वकीलों से बात करने के लिए दी गई थी उसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बात अपने परिवार से करनी है, वकीलों से करनी है और असम में उनमें से कोई भी नहीं रिहायश रख रहा, वो सभी पंजाब में रह रहे हैं, तो असम की इलेक्शन पे उसका क्या असर पड़ना है, क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। ये तमाम बातें जो है बनी बनाई बनाई गई हैं, ये उनको सहूलत को बंद करने के लिए, उनको हैरान परेशान करने के लिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नज़रबंद हैं उनके हकूक पर पाबंदी लगाने के लिए मनगढ़ंत बात बनाई गई है जो किसी भी तरह कानून से जायज़ नहीं है। ऐसी हालात में भाई अमृतपाल सिंह ने बताया कि ऐसी हालात में उनको और उनके साथ जो बंदी सिख हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया है, उनका अपने परिवार के साथ रबता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। वकीलों के साथ भी बाहर रबता बंद हो गया है और परिवार के साथ भी रबता बंद हो गया है, तो जिसने उनसे कोई बात करनी है, कोई परिवार के बारे में जानना है, किसी और बातचीत के बारे में जानना है, तो उसको 2800 किलोमीटर दूर, दिल्ली से दूर डिब्रूगढ़ में आना पड़ेगा। 2800 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा डिब्रूगढ़ का दिल्ली से, और पहले अपने गांव से दिल्ली आना पड़ेगा, तो उसको मालूम पड़ेगा इतना पैसा लगाना, इतना खर्च करना और डिब्रूगढ़ की जो ये यात्रा करनी और जहाज़ के जरिए डिब्रूगढ़ दिल्ली से आना और पहले गांव से दिल्ली में आना, ये हरेक परिवार के मेंबर के बस में नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इनके हक हकूक पर बहुत बड़ा जो है पाबंदी लगाई गई है। ये अन्याय है, बेइंसाफी है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए, इसकी कोई टुकड़ नहीं बन रही। इसके अलावा भाई अमृतपाल सिंह ने कहा कि जो जेल में पुखड़ताल चल रही है, जिसमें भाई अमृतपाल सिंह और उनके साथी 9 और 9 और सिख बंदी शामिल हैं, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है, तो ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस और बहुत ही नाजुक मसला है, जिसका इमीडिएट तुरंत जिसका जो सोल्यूशन करना, जिसका हल करना ये बहुत ज़रूरी है
और जो बात बनाई गई है कि जी इन्होंने इनके पास कोई था, कोई कैमरा था या कोई और यंत्र था, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर झूठ है। ये इन्होंने ही लगाए थे और इन्होंने बिल्कुल झूठी और गलत कहानी बनाई है। उनके लिए इंसाफ देने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए।